अब अगर राजस्थान की कोई सरकार किसानों के प्रति समर्पित होती है तो वो क्या करती है, अपने आदमी को भेज के वहाँ का असेसमेंट करा लेते हैं। वहाँ स्थिति क्या है, सरकार के पास साधन है, आप और मैं अमेरिका जाएंगे तो 5 लाख रुपये चेक मांग लाएंगे, असेसमेंट करा लेती है और राजस्थान के किसानों के व्यक्ति को इस बार के पास जवाब हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़े उत्पादक प्रांत में नहीं है। अब चीन वगैरह क्या करते हैं, सर मैनेज कर लेते हैं, देसी मालूम चलता जो कपास बढ़ा लेते हैं, हम अगर बढ़ा लेते तो ये कपास हमारी 10,000 रुपये क्विंटल में चली जाती है, क्योंकि कॉटन को तो चाहिए कपास, लेकिन हम है ना, हम परंपरा कपास खेत लेके बैठे हैं, बस वो तोड़ तोड़ के बेच रहे कर रहे हैं, इससे आगे सोच नहीं पा रहे कि इसके भाव ज़्यादा कैसे मिले। और भाव मिलने का एक ही तरीका, जैसे कपिल ने बताया, मार्केटिंग, मार्केटिंग करोगे तो वो एक अंदर इसके अंदर रंगीन पानी भरते हैं, पानी रंगीन कर देते हैं, जिसे हम कोका कोला कहते हैं, और हम ठाट से पीते हैं, हमें नहीं पता उसके अंदर है क्या, फिर केवल मार्केटिंग का, किसी को नहीं पता उसमें विटामिन ए है सी है क्या है, ठंडक मिलती है क्या होता है, कुछ नहीं पता नहीं। और हम, हमारे पास सोना है, राजस्थान में हर चीज़ सोना है, बेच नहीं पा रहे हैं। तो अभी आपके हनुमानगढ़ में कितना पोटाश निकलने वाला है, पोटाश, तो केवल वो पोटाश बेचो, आप पोटाश बेचो तो हनुमानगढ़ जिले के हर गांव को आप 5 करोड़ रुपया दे सकते हैं, चाहे जैसे अस्पताल बनाओ चाहे जैसे हॉस्पिटल बनाओ, इतना पोटाश इस ज़मीन में है, लेकिन वो कभी प्लानिंग बढ़ नहीं पाएगी कि इस पोटाश को हम हनुमानगढ़ को समर्पित करें। जैसे बाड़मेर में तेल निकला, 10,000 करोड़ रुपये का तेल हर साल बिकता, 10,000 करोड़ रुपये, बाड़मेर में अभी भी टूटी सड़कें, ऐसी हालत, पानी की हालत खराब है, स्कूलों की समस्या है, अस्पताल भी जोधपुर भागते हैं, और जिस जगह हिंदुस्तान का 25% तेल निकल रहा है और वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं, बाड़मेर के लोगों को प्रतिबंध है, आपको उस रिफाइनरी में रोजगार नहीं मिलेगा, क्या करें सब जगह, चाहे हमारे जैसे मुंडवा में सीमेंट की फैक्ट्री है, तो वहाँ चौकीदार को कह रखा स्थानीय आदमी को नहीं आने देना, इन्होंने प्लानिंग बना रखी कि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देना, जबकि जब इन्होंने जमीन ली तो पहली शर्त थी, ताली ऐसी बात में बजी थी कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, वो क्या कहते हैं कि स्थानीय लोग यहाँ रहेंगे, नेतागिरी करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे, बाहर का आदमी को शोषण कर लेंगे, वो तो हमारा आदमी तो 300 रुपये रोज में मानेगा नहीं, वो 100 रुपये मान जाएगा, तो ये शोषण प्रक्रिया में क्या करते हैं वो, उनका तो करते हैं शोषण, बिहारियों का, बंगालियों का, उनका शोषण करते हैं, यहाँ के लोग मंदिर भी घुसने देते हैं। ये जो पूंजीवाद के जो है ना, ये स्तंभ खड़े हो रहे हैं। मैं आपको एक बात, इसमें एक चीज़ जैसे मैं एक मेरा एक सही सबका सब बिल्कुल।